हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डायस्ट्रा एल्गोरिथम। इसमें हम लोग देखेंगे इसका जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड पर, और हर एक नोड को कवर करते हुए आपने चलना है। जैसे आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपने एक शॉर्टेस्ट पाथ देखना है कि किस वाले रास्ते के थ्रू हम लोग इजीली क्या पहुंच सके, जल्दी से हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच सके, वही हमारा यहाँ पर पाथ भी होता है आपका इस एल्गोरिथम के थ्रू। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये वर्क परफॉर्म करता है। तो इसमें आप किसी को भी एक फर्स्ट नोड को सोर्स नोड बना सकते हैं, वो आप किसी भी एक नोड को बना सकते हैं, इनमें से जितनी भी आपकी नोड गिवन है इनमें से किसी को भी एक को सोर्स नोड आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है इसका कि आप जहां से स्टार्ट करेंगे, मान लो मैंने इसको सोर्स नोड बनाया है तो उसको आपने जीरो रखना है, अदर एलिमेंट को आपने क्या देना है, इनफाइनाइट देना है। मतलब उनका भी अभी आपको पता नहीं है कि इसका एक्चुअल में कितना इसका वेट है और कितना हमें पाथ में कितनी मतलब वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, तो वो हमें पता नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या दे दिया, इनफाइनाइट दे दिया कि उसका जो पाथ है उसकी जो वैल्यू होगी सम जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। इनिशियल तो हम लोग यहां से स्टार्ट करें तो अब तो हम जीरो से ही स्टार्ट करें, तो हमने जो हमें पता नहीं था हमने उसको क्या दे दिया, इनफाइनाइट दे दिया। तो अब अगर हम लोग स्टार्ट करें किसी नोड से तो उसको लेते हैं यू नोड, और पहला जो होगा हमें शॉर्टेस्ट वैल्यू देखनी है, और उसको हम लोग नेक्स्ट वैल्यू को हम लोग वी नोड बोलेंगे, जिससे हम उस नोड से दूसरे नोड की तरफ हम जाएंगे तो उसको हम लोग वी नोड बोलेंगे। तो हमें ये याद रखना है, एक हमारा इसका जो फॉर्मूला है, ए डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कोस्ट ऑफ यू वी, या हम लोग बोलते हैं एज ऑफ यू वी, अगर ये क्या है, ये लेस देन है आपका डिस्टेंस ऑफ वी के, मतलब डिस्टेंस ऑफ वी से अगर ये लेस है तो आपका जो डिस्टेंस ऑफ वी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑफ यू प्लस सी ऑफ यू बी, यानी एज ऑफ यू बी के बीच का जो वो होगा वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा यू का, अगर वो यू से छोटा है। तो सिंपल इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे यहां से एग्जांपल के थ्रू। तो सबसे पहले हमारे सोर्स नोड है वो यू है। अब इससे हम लोग दो जो पाथ है हमारे पास, एक तो ये वाला पाथ है कि पाथ है, बट हमें अभी शॉर्टेस्ट पाथ को देखना है, तो सेकंड जो नोड हो जाएगी वो हमारी ये वी हो जाएगी। अब कंडीशन चेक करते हैं, इफ की कंडीशन में आए, इफ डिस्टेंस ऑफ यू, डिस्टेंस ऑफ यू अभी इनिशियली ये जीरो है, प्लस कोस्ट ऑफ यू भी, यानी इनकी जो एज की जो एज का जो वेट है वो कितना है, टू है, ये लेस देन है डिस्टेंस ऑफ वी, डिस्टेंस ऑफ वी क्या है, इनफाइनाइट। तो ये कंडीशन अभी हमारी ट्रू हो रही है, टू इज लेस देन इनफाइनाइट, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो उस कंडीशन में हमारी जो डिस्टेंस ऑफ वी हो जाएगी, यानी डिस्टेंस ऑफ वी जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ यू प्लस कोस्ट ऑफ यू वी, यानी एज ऑफ यू वी, यानी ये वैल्यू हो जाएगी जीरो प्लस टू, यानी वैल्यू हो जाएगी अब टू, यानी ये जो इनफाइनाइट है वो चेंज होके हमारा क्या हो गया, अब यहां पर ये वैल्यू आ गई आपकी टू, ये हमारा फर्स्ट वैल्यू इंटरचेंज हो गया। अब सेकेंड हमें देखना है, जो हमारा ये फॉलो तो हो चुका है, अब हमें जो पहला हमारा पाथ का जो पहली लाइन बनी है वो ये बनी है, ये भी हमें याद रखना है क्योंकि हमें पाथ भी इसमें दिखाना है कि हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या बनेगा। तो टू हमारा हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे इसमें मिनिमम कौन सा वाला हमारे मिनिमम जो वेट है वो किसका है, तो ये टू है, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो मिनिमम अभी हमारा टू ही है, ये तो हमारा कवर हो चुका है, इसको अब नहीं देखना है। तो हमारा मिनिमम टू से, अब टू से हम लोग चेक करेंगे, अब तो टू से हम लोग चेक करेंगे, अब हमें दूसरी ये हमारी, अब ये जो हो जाएगी ये यू हो जाएगी, अब नेक्स्ट वी को हम लोग देखते हैं, तो इसमें मिनिमम वाली एज जो है वो ये है, ये भी एक एज है, यू से हम लोग इसमें भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, बट इसमें मिनिमम जो है वो ये वाली एज है, तो यानी अब जो हमारा वर्टेक्स बनेगा वो ये वी बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन सेम, यही रूल हमारा यहां पर भी लगेगा, तो डिस्टेंस ऑफ यू, डिस्टेंस ऑफ यू है टू, प्लस कोस्ट ऑफ यू भी, यानी इसका जो एच की डिस्टेंस है वो है वन, इज लेस देन इन्फिनिटी, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो उस कंडीशन में जो हो जाएगा इसका जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, थ्री हो जाएगी इस वाले रूल के अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी थ्री। नेक्स्ट जो हमारा ये बना है, ये हमारा नेक्स्ट पाथ जो हो गया वो ये हो चुका है, अब जो पाथ हमारा कवर हो चुका है उसको हमें कवर नहीं करना है, ये हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है, इसको अब दोबारा से हम लोग नहीं देखेंगे। अब हमारे पास जो है डिस्टेंस कवर की बात करें तो एक तो थ्री है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो हमारे पास जो मिनिमम वाला है वो है थ्री। नेक्स्ट हमारा इस बी से होगा, तो बी से हम लोग हमारे पास केवल एक ही एज है और तो है नहीं, तो होना भी यही है,
तो बी से वो सीधे यहां चला जाएगा और ये वैल्यू जो आपकी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डी का जो डी के पास जो है वो पाथ हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये 3 + 5 यानी कितना हो जाएगा 8, 8 इज लेस देन इन्फिनिटी, कंडीशन ट्रू है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी और ये हमारा पाथ इसमें एक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू की बात करते हैं, अब ये भी हमारा कवर हो चुका है, तो जैसे जैसे कवर होते रहते हैं उनको हम लोग इस टाइप से गोले के अंदर वो बनाते ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है आपका, अब डी से हमारे पास डिफरेंट वर्टेक्स हैं, ये है ये है ये है, ये तो कवर हो चुका है तो इसको तो हम लोग एक्सेस करेंगे ही नहीं वैसे भी, तो हमारे पास दो वर्टेक्स हैं, इसमें से ये हमारा मिनिमम वर्टेक्स है तो हम लोग इसको एक्सेस कर लेंगे, ये यू हो जाएगा ये वी हो जाएगा, तो यू वी की बात करें तो यहां पर कितना है हमारा 8 + 2 = 10 इज लेस देन इन्फिनिटी, कंडीशन फिर से ट्रू है, तो ये वाले भी हमारे क्या हो जाएगा एक एक पाथ बन जाएगा और ये था इनफाइनाइट चेंज होके क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, ये भी हमारा क्या हो चुका है कवर हो चुका है वर्टेक्स। नेक्स्ट जो वर्टेक्स है हमारे पास ई से हम लोग दो जगह पे जा सकते हैं, या तो हम सी पे जा, जबकि सी तो कवर हो चुका है तो सी पे तो जाने का है ही नहीं, इसके अलावा ई से हम सी डायरेक्ट किस पे जाएंगे एफ पे जाएंगे, तो यहां पर अगर हम पाथ की बात करें तो ये जो पाथ बनेगा हमारा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, यानी ये वैल्यू जो हो जाएगी वो 15 हो जाएगी। तो सिंपल अगर हम लोग बात करते हैं इसमें शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं, तो हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये पाथ जो है हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है सोर्स टू डेस्टिनेशन पे जाने का, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो पाथ जो है क्रिएट हो जाएगा और इसमें टोटल जो हमें लग रही है वैल्यू वो कितनी लग रही है 15, यानी टोटल जो डिस्टेंस हमारी कवर हो रही है वो कितनी हो रही है 15, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। आप और जगह से भी देख सकते हैं बट जो सबसे छोटा पाथ होगा वो हमारा यही होगा, आप कहीं से भी इसको काउंट कर लीजिए और जो होंगे वो इससे ज्यादा ही आएंगे हमेशा 15 से, यही हमारा क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ डिजाइन करते हैं इसका, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा आपका ए सी डी ये आपका क्या हो जाएगा एक शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा सोर्स टू DEF और जिसकी वैल्यू है आपकी 2, 1, 5, 2 and 5 और लास्ट में जो यहां पर वैल्यू आई आपकी वो आ गई 50, तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो ये है आपकी डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम। थैंक यू फ्रेंड।